डाइजेशन। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज डॉक्टर के पास जाने वाले आधे से ज्यादा मरीज अपने डाइजेशन की समस्या को लेकर परेशान है। डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें भूख नहीं लग रही है, हमें खाना नहीं पच रहा है, या हमको एसिडिटी हो रही है, इस तरह की गैस बन रही है, ऐसी बहुत सारी समस्याओं को लेके डॉक्टर के पास मरीज जाते हैं और लक्षण के आधार पर दवा पाते हैं। दवा से उन्हें आराम तो होता है, लेकिन वो कोई व्यायाम या अभ्यास ऐसा नहीं करते हैं कि जिससे उनका शरीर ही उस खाने को ढंग से पचा सके। और दूसरा, उनका आहार गलत रहता है, क्योंकि डॉक्टर ये नहीं बताएगा, वो तो दवा देगा, उसका काम तो दवा देना है, जबकि हम जानते हैं इसमें एक बहुत बड़ा रोल तो गलत आहार का ही है। आज जो जंक फूड फास्ट फूड खा रहे हैं, तला भुना मसालेदार, और वो भी समय बेसमय, खाने के समय में नहीं, और हमारे आहार में फल सब्जियों का अभाव सा हो चला है, क्योंकि लोग बाग उसकी बजाय चाट ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, तो उसकी वजह से उनका डाइजेशन डिस्टर्ब होता है और ऐसी चीज़ें खाकर उनके लीवर किडनी सारे फंक्शन कमज़ोर होने लग जाते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे बड़ा रोल तो देखिए आहार का है, पानी बहुत पीना है, प्लस अगर आप इसके साथ योगा करेंगे, आसन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन अपने आप अच्छा हो रहा है। और वरना आप दवा लेते रहिए, पूरी ज़िंदगी दवा लेते रहेंगे, और एक समय दवाओं से भी आपको आराम नहीं मिलेगा। तब आप सोचेंगे कि डॉक्टर कैसी दवा दे रहे हैं, हमें तो आराम ही नहीं हो रहा है। और जब डाइजेशन अच्छा नहीं हो, तो आप विश्वास मानिए, आपकी जो पूरी लाइफ जो है, उसकी लाइफ की क्वालिटी है, वो गड़बड़ हो जाती है। मैं आपको बहुत थोड़े से सरल अभ्यास बताऊंगी कि जिनको करके आपकी डाइजेशन तो अच्छा होगा ही होगा, और आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और बिना दवा के। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक सरल अभ्यास बता रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है, दोनों घुटनों को देखिए, हल्का सा मैंने ऐसे बैंड कर लिया है, और इसके बाद इन घुटनों पर मैंने अपने हथेली को टिका दिया है, सांस को मैंने बाहर निकाल दिया है। बाहर निकालने के बाद लेना नहीं है, सिर्फ पेट को अंदर बाहर करना है। सांस बाहर निकालने के बाद इसका अभ्यास करना है। मैंने इसका अभ्यास सिर्फ अभी आपको एक बार करके बताया है, इसके एक आवृत्ति से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम इसका अभ्यास 4 से 5 बार खाली पेट करना है, खाना खाने के बाद भी नहीं, एकदम सुबह के समय खाली पेट करना है। इसको जब आप करेंगे तो पूरा डाइजेशन सिस्टम सक्रिय होगा, और जो आप खाएंगे उसको पाचन में उसको सहायता मिलेगी, क्योंकि इस क्रिया से सारे अंग प्रभावित होते हैं। तो एक तो आपको यही करना है खाली पेट, और उसके बाद आप पानी पी के चाहे तो आसन करें, या आपको वैसे ही करना कर ले उसके बाद में पानी पिए। तो सबसे पहला आसन जो आपको करना है वो है मंडूकासन। मुट्ठी बनाए, दोनों मुट्ठियां नाभि पे रखें, और ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे सामने की ओर ऐसे झुक जाए, चेहरा सामने होगा, आंख बंद कर लेंगे, और अब लंबी गहरी श्वास भरेंगे छोड़ेंगे। और इस आसन में सांस भरते हुए सीधे होए, और कम से कम 2 मिनट रुके। बहुत सरल आसन है, लेकिन जो लोग घुटने मोड़ के ऐसे नहीं बैठ पाते हैं, उनके लिए मैं दूसरा एक और आसन बताती हूँ। कर दोनों भी सकते हैं, जो लोग कर सकते हैं दोनों करें, या तो आप पद्मासन में बैठे ऐसे, योग मुद्रासन इस आसन का नाम है, दोनों हथेली एक के ऊपर एक,
आपको नाभि पे दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रख के नाभि पे टिका दें और ब्रीथ आउट करते हुए फिर से आप ऐसे आ जाए। यहाँ भी आंखें बंद कर लेंगे और लंबी गहरी श्वास भरेंगे छोड़ेंगे। जब आप श्वास लेते और छोड़ते हैं तो जो हाथों का दबाव पेट डाइजेशन सिस्टम पे आ रहा है, पेट के सभी अंगों पर आता है, तो वो अपने वहाँ रक्त का संचार बढ़ता है और उनकी कार्य क्षमता सुधरती है, तो डाइजेशन अपने आप सुधरेगा। और यहाँ भी आप 1 से 2 मिनट शुरुआत बेशक 1 मिनट से करें, फिर धीरे धीरे 2 मिनट तक सांस भरते हुए सीधे होए, शरीर को ढीला छोड़ दें। पर जो लोग पद्मासन भी नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, करें जरूर। अब आप हथेली को सिंपल क्रॉस लेग में रखते हुए आप ऐसे ले आए, थोड़ा कम प्रभाव डालेगा लेकिन डालेगा जरूर, तो आपको थोड़ा लाभ तो जरूर मिलेगा। और सांस भरते हुए यहाँ भी 2 मिनट रुकने के बाद सीधे हो जाए। ये तो बहुत सरल अभ्यास था, इसका सभी कर सकते हैं। जब हम आगे झुकते हैं तो हमको पीछे जाना रहता है, या तो आप सुप्त वज्रासन कर ले, हाथों को पीछे ले जाए और ऐसे रख ले। यह अभ्यास भी आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप घुटने मोड़ के इसको नहीं कर पाते तो फिर आप उष्ट्रासन कर ले, ऐसे आ जाए और आंखें बंद कर ले, सिर को पीछे की ओर लटका दे बिल्कुल, और लंबी गहरी श्वास भरे छोड़े। इसमें आप शुरुआत में बेशक आधा मिनट रुके, फिर 1 से 1.5 मिनट जरूर रुके। जो लोग ऐसे भी नहीं कर सकते वो इसको ऐसे कर ले। तो ये तो बहुत सरल आसन थे जिसका अभ्यास तो आप आसानी से कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक आसन लेट के बता रही हूँ, बहुत सरल और बहुत अच्छा है, पवन मुक्त आसन। इसमें आप दोनों पैरों को नीचे से बैंड करें, यहाँ पर आप आंखें बंद करके अगर आप चिन लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं अगर गर्दन में दर्द है तो सिर को नीचे छोड़ दें। दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ लें, छाती से लगा लें। अब यहाँ जब जब लंबी गहरी श्वास भरेंगे वो फिर से डाइजेशन सिस्टम की मसाज कर रहा है। और फिर से पैरों को ढीला छोड़ दें, शरीर को बिल्कुल आराम की स्थिति में ले आए। और एक अभ्यास और है, ये है मकरासन। इसमें आपको क्या करना है, दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लें और अब राइट घुटने को लेफ्ट टोस को टच कर रहा है, ब्रीद आउट, गर्दन आपकी जा रही है राइट साइड, घुटना लेफ्ट साइड। इसमें भी देखिए पेट के अंग खींच रहे हैं, अभी राइट साइड के ऑर्गन खींच रहे हैं जिसमें लीवर है, इंटेस्टाइन है, पैनक्रियास का एक भाग है। और अब इसी को जब दूसरे पांव से करेंगे तो लेफ्ट वाला अब देखिए राइट टोस को टच कर रहा है, गर्दन मिली आ गई लेफ्ट साइड, घुटना गया है राइट साइड। जहाँ ये आपके कमर के दर्द में आराम दिलाता है वहाँ ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। इन आसनों का अभ्यास कम से कम हर आसन को आपको 2 से 3 बार तो करना ही है। और आसनों के बाद अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाए, लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़ें। ऐसा 2 मिनट आराम करने के बाद धीरे से करवट बदलें और अपनी जगह पर उठ के बैठें। हाँ, अब इसमें आपको कुछ प्राणायाम बता दी हूँ, क्योंकि प्राणायाम जो है हमारे शरीर में प्राण के प्रवाह को बढ़ाता है। और प्राण तत्व जब शरीर में कमजोर हो तभी ऑर्गन काम करना धीरे धीरे कम कर देते हैं, तो प्राणायाम का अभ्यास आपको बहुत लाभ देगा।
जो मैंने सबसे पहले क्रिया करके बताई थी वो तो बहुत अच्छी है ही, और आप उसके बाद में कपालभाति और नाड़ी शुद्धि, दो प्राणायाम आपको बोलूंगी कि आप उनका अभ्यास जरूर करें। पद्मासन में बैठते हैं, पद्मासन में बैठिए, नहीं बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठिए, और उसमें भी नहीं तो क्रॉस लेग बैठिए, पलंग पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, मगर सीधे बैठेंगे, आँख बंद रखेंगे। देखिए डाइजेशन वाली मुद्रा ये है, इसी मुद्रा में आप कपालभाति का अभ्यास करेंगे। देखिए टच द टिप, मिडिल फिंगर, दोनों रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर और अंगूठा, बाकी दो फिंगर स्ट्रेट है, इसको हथेलियाँ ऊपर की तरफ है और हाथ हमारा नीचे की तरफ है, बिल्कुल ऐसे ही रखना है आपको। दोनों हथेलियों को घुटनों पर टिका दें, आँख बंद कर लेंगे और कपालभाति का, कपालभाति डाइजेशन को, पूरे डाइजेशन सिस्टम को प्रभावित करती है, और इसका भी अभ्यास खाली पेट ही करेंगे, खा करके नहीं करेंगे। जब भी आप कपालभाति का अभ्यास करेंगे, स्लो मोशन में स्टार्ट करेंगे, फास्ट करेंगे, जब आपको लगे कि थक रहे हैं तो धीरे धीरे स्लो करते हुए बंद कर देंगे। लेकिन एक बार में तो आप 5 मिनट नहीं कर पाएंगे, आप रुके फिर दोबारा स्टार्ट करें, आँख बंद करके उसी स्थिति में रुके रहें, ऐसा करके 5 मिनट इसका अभ्यास करें। और इसके बाद जो मैं आपको बोली थी, हालांकि एक प्राणायाम और भी बहुत अच्छा है, वो बाह्य प्राणायाम, और मैंने बोला था कपालभाति के बाद नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि तो देखिए सबको आती है, क्या करना, अनुलोम विलोम की तरह है, मैं आपको उसको 2 राउंड करके बता देती हूँ। मैं आपको कोई कुंभक लगाना नहीं सिखा रही हूँ, क्योंकि कुंभक हर किसी के लिए अनुकूल भी नहीं है, हार्ट पेशेंट, बीपी, अस्थमा, आप सिंपल करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि प्राण का प्रवाह तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसको भी लेफ्ट नोज से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट नोज पे लाके ख़त्म करते हैं, और डाइजेशन के लिए हालांकि सूर्य भेद भी बहुत लाभदायक है। सूर्य भेद में क्या करते हैं, राइट से लेते हैं ब्रीथ, हर ब्रेथ राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेना राइट से, छोड़ना लेफ्ट से, ये तो आपका सूर्य भेद है, जो भी डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है। मैं आपको 4 प्राणायाम बता रही हूँ, आप कोई भी 2 प्राणायाम रोज कर लें, बदल बदल के कर लें, और एक मैं बाह्य प्राणायाम बता रही हूँ आपको। इसमें क्या करना, सबसे पहले लंबी गहरी श्वास भरनी है, छोड़ देनी है, और छोड़ देने के बाद आपको क्या करना है, पेट को अंदर खींच लेना है, मूल बंध लगा लेना, यानी गुदा की जो संकुचन करके ऊपर की ओर खींच लें, 3रा लॉक ये लगेगा, जालंधर बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, 3 बंधों को लगाएंगे। लेकिन हाँ, मैंने बोला इसका अभ्यास हार्ट पेशेंट नहीं करेंगे, उसके बाद ब्लड प्रेशर वाले भी नहीं करेंगे, अस्थमा वाले भी नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने इन दोनों को आपको ज़्यादा नहीं बोला। ज़्यादातर तो मैं बोलती हूँ नाड़ी शुद्धि कर ले और कपालभाति कर ले, जिसमें आपको कोई बंधन नहीं है। हाँ, कपालभाति भी कमर दर्द वाले नहीं कर सकते, और अल्सर के भी मरीज हैं तो नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक बार बाह्य प्राणायाम एक बार अभ्यास करके बताती हूँ।
इस प्राणायाम का अभ्यास जो लोग स्वस्थ हैं वही करें, दूसरे लोग ना करें तो ज़्यादा बेटर है। गलत करने से तो अच्छे नहीं करना बेटर है, ज़्यादा अच्छा हो किसी योग प्रशिक्षक से सीख के करें। लेकिन नाड़ी शुद्धि या अनुलोम विलोम और कपालभाति जब मैं देखती हूँ अधिकतर लोगों को आता है, तो मैं इसलिए दो प्राणायाम आपको बता रही हूँ मेन, अगर कर सकते हैं तो ही करें इसका अभ्यास। तो मेरे आज के वीडियो से आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, अच्छा होता है, और आपकी दवा जो लेने की आदत है वो छूट रही है। क्योंकि जो मैंने बताया डाइजेशन अच्छा नहीं है तो कितने सारे रोग होते हैं, गैस, कब्ज और पेट में दर्द, भूख नहीं लगना, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, एसिडिटी, सबसे आपको छुटकारा मिलेगा। कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये थोड़े से आप आसन करें, प्राणायाम करें, आहार को बदलें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।